यह तस्वीर है कैसी हैवान माँ की, जिसने तंत्र मंत्र से शक्ति पाने और प्रेमी से शादी करने के लिए अपने ही दो बच्चों को दर्दनाक मौत दे डाली। प्रेमी के प्यार में डूबी इस हैवान महिला ने अपने दोनों बच्चों की लाश के हाथ पैर तोड़कर लकड़ी के बक्से में भरा और घर से 25 किलोमीटर दूर बक्से से निकालकर लाश को गंग नहर में फेंक दिया। शुक्रवार देर शाम पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। पूछताछ में जो अब कहानी सामने आई है वे बेहद ही खौफनाक है। बच्चों की हत्या कराने की साजिश माँ ने इतनी सफाई से रची कि पति तक को पता नहीं चल पाया। महिला ने प्रेमी और पड़ोसियों को तंत्र मंत्र के नाम पर साथ लिया। शुक्रवार शाम को पुलिस ने गंगनहर से बेटे मेहराब की लाश को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मासूम बच्चे की लाश निकालते वक्त गोताखोरों और पुलिस की रूह तक कांप गई। मासूम बच्चे के हाथ पैरों को बड़ी ही बेरहमी से तोड़ा गया था। वहीं 6 साल की बेटी कोनेन की लाश अभी तक नहीं मिल पाई है और तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 6 लोगों को अब अरेस्ट कर लिया है। इसमें मां निशा, प्रेमी साउद फैजी सहित पड़ोसी भी शामिल हैं। दरअसल खैरनगर के गुनर वाली गली में रहने वाली 37 साल की निशा का अपने पड़ोस में रहने वाले साउद से अफेयर था। साउद निशा से 7 साल छोटा है, लेकिन साउद की पत्नी उसे छोड़ चुकी थी। ऐसे में साउद का अकेलापन, निशा से अफेयर और निशा की तंत्र मंत्र से शक्ति पाने की ख्वाहिश इस हत्याकांड की वजह बन गई। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि निशा तंत्र मंत्र करती है और वह दिन में घर में अकेली रहती है। तब उसके पास आसपास के लोग तंत्र मंत्र कराने के लिए आते थे। वह जादू टोना करके लोगों को मन्नत पूरी होने का दावा करती थी। इसकी खबर घर में किसी को भी नहीं थी। निशा का पति शाहिद लाल कुर्ती पेट में जूते की दुकान में काम करता है और वह सुबह 11 बजे तक वहां चला जाता था और देर शाम को ही वापस आता था और बच्चे स्कूल चले जाते थे। तब खाली घर में निशा जादू टोने की दुकान सजाती थी। निशा जादू टोने करके मन्नतें पूरी कराने का दावा करती, जबकि उसके प्रेमी साउद का मोहल्ले में बड़ा रुतबा था। आर्थिक तौर पर वह काफी संपन्न था। निशा के पड़ोस में रहने वाली कौसर नुसरत नाम की दो महिलाएं उसका तंत्र मंत्र देखकर उसके चंगुल में फंस गई। यह दोनों महिलाएं रोज निशा के पास जाकर अपने भविष्य पूछती और उससे टोना टोटका कराती थी। वहीं साउद की दौलत देखकर पड़ोसी साद और आरिफ भी इस हत्याकांड में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि जब निशा घर पर अकेली होती तो उसकी पड़ोसन कौसर और नुसरत उसके घर आकर तंत्र मंत्र कराती, तो वहीं साद और आरिफ पैसे लेकर निशा और प्रेमी साउद को मिलवाते थे। पुलिस ने बताया कि हत्या की वारदात बुधवार यानी 22 मार्च की शाम को हुई थी। मां निशा के सामने दोनों बच्चों को नशे का इंजेक्शन देकर पहले बेहोश किया गया और बेटी कोनेन को निशा के घर पर ही मार दिया गया, जबकि कोनेन की लाश और बेहोश बेटे मेहराब को चादर में लपेटकर युवक साद और आरिफ पड़ोसी मुसरत के घर ले गए। वहां मुसरत के घर पर बेटे मेहराब की भी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बड़े ही बेरहमी के साथ मासूमों की हत्या की। आरोपी मुसरत ने बेटे के हाथ पैर पकड़े, कौसर ने हाथ और निशा के प्रेमी ने उसका गला और मुंह दबाकर उन्हें मार डाला और फिर बच्चों के हाथ पैर को बुरी तरह से तोड़ दिया गया और उनकी लाशों को बक्से में पैक करके नहर पर ले जाया गया और वहां नहर में बहा दिया। पूछताछ में हत्या में शामिल रही महिलाओं ने तरीका बताया तो वो दिल दहलाने वाला था। पुलिस पूछताछ में हत्या में शामिल रही महिलाओं ने जो हत्या का तरीका बताया वो काफी दिल दहला देने वाला था। महिलाओं ने बताया कि सब कुछ पहले से तय था। मुसर्रत ने दोनों बच्चों के पैर पकड़े, कौसर ने बच्चों के हाथ पकड़े और इसके बाद कौसर ने बच्चों को नशे के इंजेक्शन लगाए और प्रेमी साउद फैजी ने बच्चों का गला और मुंह दबाया। बेटी की हत्या के समय मां निशा कमरे में मौजूद थी और अपनी आंखों के सामने ही अपने बच्चों को मरता हुआ देख रही थी। बच्चों की हत्या से उसके चेहरे पर कोई शिकन, कोई दर्द नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो इस बात से सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि अब उसके और उसके प्रेमी की शादी में रोल रहे बच्चों से उसका पीछा छूट जाएगा। पुलिस ने बताया कि मुसरत के घर से लकड़ी की दो पेटियां ली गई और इन पेटियों में अलग अलग दोनों बच्चों के शवों को हाथ पैर तोड़कर डाल दिया गया। आरिफ ने लड़की के शव वाली पेटी को अपनी गाड़ी में डाला, जबकि साद ने लड़के की लाश वाली पेटी अपनी गाड़ी में डाली। इसके बाद साद की गाड़ी में डेड बॉडी की पेटियां रखकर साद, आरिफ, सऊद, मुसरत, कौसर ने मिलकर गंगनहर सरधना में अटरेना पुल नहर से दोनों बच्चों के शव नहर में डाल दिए। बच्चों को मारने की इस खौफनाक प्लानिंग में मां निशा अपने प्रेमी के साथ शामिल थी। वहीं पड़ोसन मुसरत ने अपने बेटे साद के साथ इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्याकांड में मां निशा, प्रेमी साउद फैजी, पड़ोसी साद, आरिफ और पड़ोसन मुसरत और कौसर को अरेस्ट किया है और उनके पास से हत्या में इस्तेमाल हुई सिरिंज, बच्चों की लाश को रखने वाली दो पेटियां और घटना में इस्तेमाल हुई वैगनर गाड़ी जो शाद के नाम है उसे बरामद कर लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को नहर से बेटे मेहराब का शव बरामद कर लिया है, जबकि बेटी कोनेन का शव अभी भी तलाशा जा रहा है।